एक तरफ नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश की कमान से मुक्त करने की बात कुछ राजनीतिक विश्लेषक करने लगे। लोगों का कहना है कि यहाँ बीजेपी को 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 71 सीटें मिली थी, उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में सपा बसपा की भारी भरकम गठबंधन के बावजूद 62 सीटें मिली थी, वहीं राम मंदिर बनने के बावजूद फैजाबाद हारे ही नहीं, साथ में उत्तर प्रदेश से केवल 33 सीट 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिली, जिसकी वजह से पूर्ण बहुमत से बीजेपी चूक गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन? आज हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से अब डर सताने लगा है, उत्तर प्रदेश से उसको सालने लगा है। बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से चक्रव्यूह की रचना समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया, और भारतीय जनता पार्टी ओपी राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल की पार्टियों को साथ में लेकर भी सीट नहीं जीत पाई, वहीं समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को नहीं मनाया, ओपी राजभर गए उनको नहीं मनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य गए उनको नहीं मनाया, पल्लवी पटेल ने बगावत कर दिया उनको भी नहीं मनाया, केशव देव मौर्य भी बगावत कर दिए उनको भी नहीं मनाया, और संजय चौहान जो समाजवादी पार्टी घटक के एक बड़े सहयोगी थे वो भी चले गए, उनको भी नहीं मनाया। ये सारे नेता जो गए, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, चाहे वो पी राजभर रहे हों, चाहे पल्लवी पटेल रही हों, चाहे संजय चौहान रहे हों, चाहे केशव मौर्य रहे हों, इन लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही मदद किया। तब भी केवल कांग्रेस के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का अकेले 30 सीटों का नुकसान किया, जिसकी भरपाई बीजेपी उड़ीसा जीत कर भी नहीं कर पाई। आजकल भगवान राम को भूल गए, सोचिए आप, फैजाबाद वाली सीट हारते ही जय श्री राम नहीं जय जगन्नाथ यानी उड़ीसा में जीते हैं, नहीं तो वही संबित पात्रा ने कहा था कि जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। यानी उत्तर प्रदेश की हार की भरपाई कहीं से भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पाई। इस हार की बीजेपी के किस नेता की जिम्मेदारी है? भाई इतनी बड़ी हार हुई तो कौन जिम्मेदार है? जो टिकट बांट रहे थे उनकी जिम्मेदारी है या स्थानीय नेताओं की है, जिसमें दो दो मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, या फिर योगी आदित्यनाथ की है, या फिर बीजेपी के द्वारा किए गए वायदा खिलाफी पर जनता का रिएक्शन था, किसकी जिम्मेदारी? हमने कुछ राजनीति के जानकारों से पूछा कि बीजेपी के हार के मुख्य वजह क्या मानते हैं, सुनिए उन लोगों ने क्या कहा। देखिए, बीजेपी की हार की एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस, इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बीजेपी ने तमाम जगहों पर टिकट नहीं दिए, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा था कि वोट तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनके चेहरे पर मिले हैं। हुआ भी यही, बीजेपी प्रत्याशी जो हारे ज़्यादातर सीटों पर कम मार्जिन से हारे, लेकिन शायद कई ऐसी जगहें थी, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, कौशाम्बी सीट हो गई, प्रतापगढ़ सीट हो गई, कई ऐसी सीटें हैं जहां प्रत्याशियों को लेकर नाराज़गी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रत्याशी बदल दिए जाते तो शायद वहाँ के नतीजे कुछ और ही होते। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अधिकारियों का जो रवैया था कि दफ्तरों में नहीं बैठना, लोगों की समस्याएं नहीं सुनना, वो एक बड़ी वजह बने। इसके साथ साथ विपक्ष ने जिस तरीके से रणनीति तैयार की, जिस तरीके से जातिवादी एक चक्रव्यूह रचा, जैसे समाजवादी पार्टी ने पहले तो कांग्रेस का साथ लिया, जिससे अपर कास्ट के तमाम वोट उसके साथ जुड़ गए, इसके साथ साथ दलित वर्ग के कई कैंडिडेट दिए, ओबीसी में कुर्मी यानी पटेल वोटर, कुर्मी और साथ ही साथ मौर्य कुशवाहा वोटर,
पाल समाज के श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, यानी हर सीट पे वो फैक्टर कहीं ना कहीं काम किया, तभी अयोध्या जैसी सीट पर सामान्य सीट पर दलित वर्ग के अवधेश पासी चुनाव जीतने में सफल रहे। तो हार की कोई एक वजह नहीं है, तमाम वजह हैं। कार्यकर्ताओं का लगातार 10 साल तक काम करते करते थक जाना जो है, कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह नहीं होना और अति आत्मविश्वास होना, ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सके। मैं ये मानता हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, सरकार दोनों सरकारों को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमता, युवाओं की समस्याएं, ये तमाम ऐसे कारण थे, किसानों की समस्याएं, जिसकी वजह से लोगों में एक तरह से असंतोष की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के नारे को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, उसको ये लग रहा था कि वो जो लोगों के बीच से उनके जीवन के सवाल खड़े हो रहे हैं उनका समाधान वो हिंदुत्व के माध्यम से दे सकती है, जो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जातियों में भी पूरा मतदाताओं में एक जाति स्वाभिमान की भी स्थितियाँ आईं और भारतीय जनता पार्टी उसको संबोधित नहीं कर पाई। स्थानीय जो सांसद थे जिनको लगभग अधिकांश क्षेत्रों में रिपीट किया गया, दोबारा उनको लड़ाया गया, उन सांसदों के खिलाफ भी लोगों के मन में एक नाराजगी थी, एक तरह का असंतोष था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन में भी गड़बड़ियाँ की। यह गड़बड़ी इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया जिनकी कोई खुद की राजनीतिक आधार नहीं था, उनको किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए थे लेकिन राजनीतिक रूप से वो उतने सक्रिय नहीं थे जो किसी भी उम्मीदवार के लिए एक अपेक्षित कह सकते हैं आप। तो उम्मीदवारों का चयन है, लोगों में नाराजगी है, तमाम का कारण है जिससे भारतीय जनता पार्टी को हारी है। और जो विपक्ष ने सवाल पैदा किए कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, एक पिछड़ों को, दलितों का वो उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इन विषयों को लेकर के उन्होंने एक आकर्षण पैदा किया लोगों में और यह भारतीय जनता पार्टी के असंतोष को काफ़ी दूर तक उन्होंने और विस्तार दे दिया, ये मैं मानता हूँ कि हार के कारण है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि 2014 में भाजपा ने जो पिछली जातियों का एक गुलदस्ता तैयार किया था वो 2024 में पूरी तरह से बिखर गया। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, सबने एक सुर में बीजेपी के हार की वजह विपक्ष के प्रबंधन को बताया। इसके अलावा बीजेपी के हार की मुख्य वजह है पिछड़े समाज का बीजेपी से मोहभंग होना और समाजवादी पार्टी द्वारा एक रणनीति के तहत पिछड़े समाज के अधिक प्रत्याशियों को टिकट देना। पीडीए का नारा लगाया था ना, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, और समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया। आपको बता दें, बीजेपी ने पटेल समाज के लिए अनुप्रिया पटेल को अपनी पार्टी, अनुप्रिया पटेल की अपनी पार्टी, अपना दल यस से गठबंधन किया, लेकिन सपा ने पटेल समाज से 11 प्रत्याशी उतार दिए। अब अनुप्रिया नैतिक रूप से उन प्रत्याशियों के खिलाफ कैसे कर सकती थी, लेकिन उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए किया। बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से कहीं अधिक निषाद समाज के प्रत्याशी उतार दिए। अब वही स्थिति डॉक्टर संजय निषाद के सामने आ गई, यहां तक कि डॉक्टर संजय निषाद का लड़का चुनाव हार गया, वो भी एक निषाद नेता से हार गया। यही हाल ओपी राजभर का रहा, उनका लड़का चुनाव हार गया। कहने का मतलब, बीजेपी का पिछड़ा समाज को जोड़ रखने का उपाय काम नहीं किया, बल्कि सपा द्वारा प्रतिनिधित्व देने की वजह से बीजेपी को हार मिली। सपा ने दलित समाज के दर्जनों उम्मीदवार को टिकट दिया, रिजर्व सीट पर तो दिया ही, समाजवादी पार्टी ने सामान्य सीटों पर भी दलित प्रत्याशी उतारने से परहेज नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने केवल गिने चुने 4 मुस्लिम समाज के प्रत्याशी उतारे ताकि बीजेपी ध्रुवीकरण ना कर सके, और हुआ भी यही। इंडिया गठबंधन को मुस्लिम समाज का पूरा वोट गया और ध्रुवीकरण भी नहीं हुआ। अब बीजेपी के हार का कारण कुछ लोगों ने योगी जी के कम सक्रियता को लगाया कि योगी जी कम सक्रिय थे इसलिए चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी। अरे आप सोचिए, जहां पूरे देश में मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा था,
मोदी के चेहरे के अलावा किसी की फोटो तक नहीं लगाई जा रही थी। यहां तक कि एक माले में मोदी के अलावा और कोई नहीं आ सकता था। वहां यह कहना कि योगी जी की वजह से हार हुई, ये कहां तक जाएगा। बीजेपी को यह बात समझनी होगी कि बीजेपी का कोई बेस वोट नहीं है प्रदेश में। सामान्य समाज आज अगर वोट करता है तो वह किसी का बेस वोट नहीं है। सामान्य समाज कांग्रेस को भी उतना ही पसंद करता है जितना बीजेपी को। सामान्य समाज का वोट उतना ही सपा को पसंद करता है जितना बसपा को। हमने विशेषज्ञों से बात किया कि क्या योगी को हटाना बीजेपी के लिए फायदे का होगा। सुनिए विशेषज्ञों ने क्या कहा। नहीं, योगी जी को बदलना उचित तो नहीं होगा, क्योंकि योगी जी के कद का कोई नेता इसमें बीजेपी में नहीं है। आप चुनाव के लिहाज से भी देख लीजिए, जन समर्थन के लिहाज से भी देख लीजिए, छवि के लिहाज से भी देख लीजिए। आप उनके समर्थक हो सकते हैं, उनके विरोधी हो सकते हैं। अभी भी योगी आदित्यनाथ पर कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, उनके ऊपर कई आरोप हैं लेकिन कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। अब इस लोकसभा के चुनाव में भी उनके आस के पास अपने मैंने जो उनका अपना गृह नगर है उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बांसगांव हो, चाहे कुशीनगर हो, देवरिया हो, डुमरियागंज हो, महाराजगंज हो, सब पर उन्होंने चुनाव जीता है, उनके बीजेपी के चुनाव जीते। तो इसमें जबकि पूरे देश प्रदेश में आप कह सकती हैं कि एक तरह का एक माहौल था बीजेपी के खिलाफ, लेकिन उन्होंने उनके आसपास के लोग जीते और उन्होंने प्रयास भी किया। लेकिन अन्य जो नेता हैं, मैंने अगर आप देखिए केशव जी के आसपास के सभी सीटें हार गई बीजेपी, चाहे उनका अग्रज जनपद कौशाम्बी हो, चाहे पड़ोस का प्रतापगढ़ हो, वो खुद जहाँ से सांसद रहे हैं फूलपुर वो हो, पड़ोस में बांदा हो, फतेहपुर हो, तो तमाम सीटें हारे। आप दूसरे उप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, ब्रजेश जी को, मैंने किसी तरह से कुछ हजार के अंतर से जीत पाए राजनाथ सिंह जी। रायबरेली हार गए, अमेठी हार गए, सीतापुर हार गए, बाराबंकी हार गए, आसपास के जो जिले हैं लखनऊ के जहाँ पे ब्रजेश पाठक जी बहुत सक्रिय हैं, वो सभी जिले हार गए। आप भूपेंद्र सिंह को देख लीजिए, भारतीय जनता का पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गृह जनपद जो है वहाँ हार गए और आसपास के कई क्षेत्रों में चुनाव हार गए। तो कोई उस कद का नेता नहीं है कि जो योगी जी को रिप्लेस करके भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बनाए रख सके। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, पूरे देश की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय जननेता हैं। वो जहां भी जाते हैं, वो दक्षिण भारतीय राज्यों में जाते हैं जहां बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है, वहां भी उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, उनके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए तकरीबन 7.75 साल के कार्यकाल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक किया है, जिस तरीके से उन्होंने अफसरशाही पर नियंत्रण किया है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर विकास का एक खाका खींचा है, जिस तरीके से उन्होंने एक हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगी। क्योंकि 2 साल के बाद ही उत्तर प्रदेश में फिर से जो है वो विधानसभा चुनाव की सुकुबाहट शुरू हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ स्वीकार्य नेता हैं और हर तरीके से फिट बैठते हैं, जनता के बीच खासे लोकप्रिय हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को बदलने का कोई काम करेगी। देखिए उत्तर प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ हैं और इस चुनाव में ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भाजपा ने आगे रखा, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी एक बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, और योगी और मोदी जी दोनों के चेहरे को रख करके उत्तर प्रदेश में या भाजपा ने चुनाव लड़ा। यहाँ तक कि योगी जी को राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, यानी और कई राज्यों में भी योगी जी को एक बड़े चेहरे के रूप में भाजपा ने पेश किया, और इसमें ये कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के बड़े चेहरे हैं और अपीली चेहरे हैं, उनके चेहरे पर वोट भी मिलता है। तो मैं तो नहीं समझता कि भाजपा इतना बड़ा जोखिम जो है वो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल उठाएगी। हाँ, देखा आपने, मेरे हिसाब से योगी आदित्यनाथ को हटाकर बीजेपी एक भूल करेगी, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग और दलित समाज के लोग तो लोकसभा से साथ छोड़ चुके हैं। अगर योगी भी गए तो सामान्य समाज भी बीजेपी से अलग होने में देरी नहीं करेगा। केशव मौर्य बीजेपी में बड़े नेता होकर भी अगर मौर्य समाज का वोट नहीं दिला पाए तो योगी की क्या गलती है।
अनुप्रिया पटेल वोट ना दिला पाई हूं तो योगी की क्या गलती है? डॉक्टर संजय निषाद वोट ना दिला पाए हो तो योगी की क्या गलती है? ओपी राजभर समाज का वोट ना दिलाए पाए हो तो योगी की क्या गलती है? 35 सीट बीजेपी जीती है तो सामान्य वोटों की बड़ी भूमिका रही है। अब योगी को हटाकर बीजेपी रिस्क नहीं लेगी। ना बोलिए, योगी के बुलडोजर ने ही 2022 में माहौल बनाया था। यहां तक कि लोग शादी ब्याह में बुलडोजर प्रतीक के रूप में देने लगे थे। जिस तरीके से योगी बुलडोजर से घर गिरा देते हैं, उसी तरीके से बुलडोजर बाबा के नाम से जाने वाले योगी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बुलडोजर से ही अपना घर गिरा ले। आगे देखे क्या होता है। योगी को बदलना इतना आसान नहीं है और बदलने से बीजेपी को मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। आगे देखे क्या होता है, हम आपको जानकारी देंगे। देखते रहिए MT टॉक शो। धन्यवाद।